हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूरोप पर्सनल ट्रिप का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम दिल्ली से अबू धाबी और वहाँ से पेरिस का सफ़र को कैप्चर करेंगे। तो हम अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ से जो हमारी फ़्लाइट है वो इतिहाद एयरवे से अबू धाबी की है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि अभी जो का जो ये सीन है, ये दिल्ली एयरपोर्ट का है। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है यूरोप जाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ टाइम था, तो हम लोग बस कुछ लॉन्च में 2-3 घंटे टाइम स्पेंड किए। फिर हम लोग इतिहाद एयरवेज़ का आप देख सकते हैं इनसाइड व्यू। हम लोग काफ़ी रिलैक्स 2-3 घंटे जो फ़्लाइट का जर्नी में थे। और फिर आप अबू धाबी का एरियल व्यू आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सी है। और काफ़ी उस समय थोड़ी सी गर्मी थी, तो लेकिन काफ़ी अद्भुत नज़ारा था। और फिर ये जो है एयरपोर्ट का सीन है। उसके बाद हम लोग को लगभग 17 घंटे हमारे पास टाइम थे अबू धाबी को एक्सप्लोर करने का। तो हम लोग वहाँ के पास में ही होटल होटल प्रीमियर इन में स्टे किए। फिर हम लोग ने सिटी बस से सिटी को एक्सप्लोर किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से होटल से बस लिया और उस बस से हम लोग शेख जायद ग्रैंड मॉस्क गए। तो अभी जो तब देखेंगे ये से ग्रैंड मॉस्क का ये नज़ारा है। ये जो मॉस्क है, ये जो बनाया गया है वो शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान, जो कि यहाँ के इलेट प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा बनाया गया था। और उन्हीं के नाम पे ये मॉस्क है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ये यूएई का सबसे बड़ा मॉस्क है और वर्ल्ड का 6th सबसे बड़ा मॉस्क है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है ये मॉस्क का और मॉस्क के चारों तरफ का। मतलब जो एंट्री है इसके एकदम लगभग 500 मीटर दूर से है पूरा, और अंडरग्राउंड है। और जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ज़बरदस्त है। और लगभग ये 20 एकड़ से बड़ी एरिया में बनाया हुआ है। और जो ये बनाया गया था कि मतलब उनका जो एम था शेख जायद का, कि ये पूरे कल्चरल डाइवर्सिटी इस्लामिक वर्ल्ड का वो सबको यूनाइट करेंगे। और जो ग्रैंड इसका मॉस्क आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक यूरोप, यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, इन सब का जो मिक्स्ड है वो आर्किटेक्चर है यहाँ का। आप देख सकते हैं ये जो है इनसाइड व्यू है मॉस्क का। और कितना खूबसूरत तो इनसाइड व्यू और लाइटिंग जो है वो ज़बरदस्त है। इसके अंदर लेडीज़ को बुरखा पहन के जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो वाइफ है मेरी वो बुरखा बुरखा में है। और पूरा वाइट 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 व्यू है, वाइट मार्बल चारों तरफ आपको दिखेंगे। तो ये एकदम ज़बरदस्त व्यू है बट वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एकदम सी कोस्ट पे अबू धाबी है तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी, पूरी साल्टी एटमॉस्फेयर। तो भी इतना अच्छा लग रहा था अंदर में, जो अंदर का आर्किटेक्चर व्यू, जो लैंडस्केप, जो जस्ट इट वॉज अमेजिंग। आप जैसे कि देख सकते हैं पूरे व्यू में यहाँ का नज़ारा। यहाँ का एंट्री फ्री है और लगभग रोज दिन 50,000 लोग यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। पूरे दुनिया भर से लोग विजिट करने आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको आप एक इंजीनियरिंग मार्बल भी कह सकते हैं। फिर ये मॉस्क देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा शहर को देखे। तो रात हो गया, जो तक फोटोज नहीं ले पाए, बट आप एक दो तो फोटोज हमारे पास है जो कि सिटी के आप देख सकते हैं। أشهد أن لا إله إلا الله.
ये आप देख सकते हैं सिटी का व्यू जो है। और ये फिर उसके बाद हम लोग रात में फिर फ्लाइट के लिए निकल चले। हमारी 2 बजे रात में फ्लाइट थी। हम लोग का डबल डेकर फ्लाइट था, जो कि फर्स्ट टाइम डबल डेकर एक्सपीरियंस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।